अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं आपका होस्ट बागली बलोच। आज फिर हम खान डेयरी फार्म के झोटियों वाले सेक्शन से हाजिर हुए हैं, जहां पे हमारी प्योर नीली की डेढ़ी थन वाली झोटियां ओरिजिनल नस्ल मौजूद है। अगर आपको कैमरे की नज़र दिखा सके तो ये मेरे पीछे जो नज़र आ रही हैं, ये सारी इस वक्त तैयार झोटियाँ जिन्होंने अभी क्रास होना है, गाभिन होना है। तो इसी सिलसिले में हमने हकीम साहब को, आज वो आए हुए थे हमारे पास, हकीम मुल्तबा साहब, जिनका बड़ा एक्सपीरियंस है जानवरों के मुख्तलिफ मौजूदात पे, खासकर भैंसों के मुख्तलिफ मर्ज़े हैं और इनके इलाज के हवाले से। तो हमारी जो झोटियाँ हैं उनमें बहुत सारी झोटियाँ ऐसी होती हैं जो टाइम से पहले क्रास हो जाती हैं, और टाइम से पहले इनकी वजूहत क्या है क्रास होने की, और इनके नुकसान क्या हैं, और इनको किस टाइम पर क्रास होना चाहिए, और इनकी एहतियाती तदाबीर क्या हैं, इस बारे में आज हम टोटली कंप्लीट जो है ना मालूमात लेंगे हकीम मोहम्मद मुल्तबा साहब से। अस्सलाम वालेकुम हकीम साहब। वालेकुम अस्सलाम। जनाब तुसी सवाल साडा सुन चुके हो जी, इहदा जवाब नाजरी नूं दिओ। अपने झोटियां वाले सैक्शन च अज आपां मौजूद हैं जी, ते झोटियां प्योर नीली रावी तुहाडे सामने ने, ते उहनां दे जिहड़े मसाइल ने उह मैं बयान कर चुका, उहदा दस्सो नाल। अक्सर नाजरीन आप लोग जानते हैं कि आजकल खाद और स्प्रे की पैदावार है। ये खाद और स्प्रे के अंदर कुछ ऐसे जरासीम होते हैं जो कि आम इंसानों को भी नशोनुमा के अंदर बड़ी तेज़ी से बढ़ोतरी करते हैं। जिस तरह के आजकल ब्रेलर का गोश्त खाया जाए तो हमारी जो जेंट्स और दूसरी लेडीज़ औरतें हैं इनके हार्मोन्स को चेंज करते हैं। इसी तरह जो जानवरों के चारे के हैं इसके अंदर खाद और स्प्रे की ज़्यादा मिकदार डालने की वजह से इनके अंदर हार्मोन्स चेंज हो जाते हैं, जिसकी वजह से ये अपने टाइम से पहले ये गाभिन होना शुरू हो जाती हैं। उसका नुकसान ये है कि जब जानवर अपने टाइम से पहले गाभिन होगा तो उसके अंदर जख्म हो सकते हैं, उसके सूँह के अंदर तरह तरह की बीमारियां पैदा हो जाती हैं, जिससे उसको बच्चा पैदा करने में मुश्किल पैदा होती हैं। इससे बचाव के लिए सबसे बेहतरीन भैंस कलोनी के नवाज खरल साहब का ये एक्सपीरियंस तकरीबन 45 साल का है कि उनको जब अपनी नौजवान नस्ल को तैयार कर रहे हों तो उनको अक्सर सरसों का तेल देना चाहिए, जिसकी वजह से वो ठंडे रहेंगे। जब बिल्कुल अपनी पूरी उम्र के पास पहुंच जाएं तो फिर उनको जो प्याज और लहसुन और जो हरी मिर्च और इसके साथ साथ जो है काली जीरी कड़ू, ये चीज़ें मिक्स करके उनको कूट कर इनकी पिनियाँ बनाकर देनी चाहिए। ये तकरीबन 10 और 15 दिन के अंदर अंदर ये अपने उरूज पर आ जाएंगी। फिर सब इनकी मिकदार साथ साथ बता दीजिए। तकरीबन इनकी मिकदार ये होती है कि एक किलो लहसुन, आधा किलो लहसुन, एक किलो प्याज और एक पाव हरी मिर्च और तकरीबन एक एक चटाक कड़ू और काली जीरी, ये एक भैंस का मसाला तैयार हो गया। ये इसका तैयार करके दो पिनियाँ बनेंगी आधा आधा किलो की, और तकरीबन ये एक पिनी एक दिन के अंदर देनी है। दो तीन दिन मुतवातर देंगे तो इंशाल्लाह 10-15 दिन के अंदर ये भैंसें बोल पड़ेंगी, और जो इसके खाने के बावजूद भी ना बोलें तो उनके अंदर हीट की बहुत कमजोरी होती है। उसके लिए हमारा मशवरा ये है कि आप उनको खजूरें खिलाएं, आप उनको तकरीबन आधा किलो खजूर रोजाना की खिलाएं 3 से 4 दिन, जो खुद बखुद ही इंशाल्लाह आपको पता चल जाएगा कि भैंस अपने वक्त पर आकर ये अपने गबन होने के लिए तैयार हो गई है। जब अपने वक्त पर आकर भैंस तैयार होगी तो इंशाल्लाह आपको इसका रिजल्ट भी अच्छा मिलेगा। बस तो नाजरीन, आज इस वीडियो में आपने हकीम साहब से कंप्लीट मालूमात ली कि छोटी को कब और कैसे गाभिन करवाना चाहिए, टाइम से पहले नहीं करवाना चाहिए, और टाइम पे अगर जाके नहीं हो रही तो उसका इलाज क्या है। तो हम मौजूद हैं, आपको पता है, खान डेयरी फार्म के छोटियों वाली सेक्शन में, जहाँ पर नीली की प्योर नई नस्ल नई छोटियाँ तैयार की जाती हैं। गाभिन होने के बाद जो जो इनमें से छोटी ब्रीडर इसके बीच में खड़ा हुआ है, टाइगर वन खड़ा हुआ है, उसको मेरे नाजरीन बड़ी अच्छी तरह से जानते हैं कि टाइगर वन क्या है। तो टाइगर वन के क्रास के बाद ये इससे अगले वाले सेक्शन में चली जाएगी। जो जो झोटी क्रास हो जाती है वो अगले सेक्शन में चली जाती है, जो क्रास नहीं होती वो यहाँ पर रहती है। तो नाजरीन, अगर हमारी वीडियो पसंद आए तो चैनल को करें सब्सक्राइब, वीडियो को करें लाइक, और दूसरे दोस्तों को शेयर करें ताकि उनको भी अच्छी अच्छी मालूमात पहुँच सके। थैंक यू।